हेलो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्रिक वॉल डिज़ाइन के ऊपर एक डिटेल रिव्यू वीडियो शूट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ये दीवार कैसे बनाई जाती है, इस पर पेंट कैसे किया जाता है, टेपिंग कैसे की जाती है और इसमें क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे आर्ट चैनल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो ज्योमेट्रिक वॉल डिज़ाइन है ये बनाई कैसे जाती है, यानी प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट होती है एक प्लेन वॉल के साथ, जहाँ पर आपको एक प्लेन वॉल मिलेगी, उसमें कुछ भी कलर नहीं किया गया होगा। और उसके बाद आपको प्लेन वॉल में दो कोट पुट्टी यूज़ करना है, जो कि बिरला वाइट पुट्टी हो सकती है, जेके पुट्टी हो सकती है, आप किसी भी ब्रांड की पुट्टी यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बिरला वाइट की पुट्टी यूज़ की थी, जो कि काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी। उसके बाद आपको पुट्टी को एक स्मूथ फिनिश देने के लिए एक सैंड पेपर लेके वॉल को फिनिश करना है, जिससे कि वॉल के अनइवन सर्फेसेस ख़त्म हो जाएं और वॉल एकदम प्लेन हो जाए। जब वॉल प्लेन हो जाएगी, उसके बाद आपको वॉल पे एक कोट वाइट पेंट का करवाना है। वाइट पेंट आप ट्रैक्टर इमल्शन ले सकते हैं, ज़्यादा महंगे पेंट में ना जाएं। एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर इमल्शन आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी दीवार को सीलन से बचाने के लिए एशियन पेंट्स का ट्रू केयर इमल्शन भी ले सकते हैं, जिससे कि आपकी दीवार सीलन से बची रहेगी। एशियन पेंट्स का प्राइमर करके आप दुकान वाले को बोल दीजिए, वो दे देगा। तो दोनों में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, जैसे वाइट पेंट और प्राइमर। तो इसके बाद आपको प्राइमर लगाने के बाद और पेंट लगाने के बाद आपको इसमें मार्किंग करनी है। अब हम बात करते हैं कि वाइट पेंट ही क्यों लगाएं, हम डायरेक्टली ये डार्क पेंट जो हमने यहाँ पर डार्क पेंट यूज़ किया है यही क्यों ना लगा दें। देखिए, सबसे पहले बात होती है पुट्टी जब लगाते हैं तो वो पेंट को एब्जॉर्ब करती है, और डायरेक्ट आप डार्क पेंट लगाएंगे तो आपका पेंट बहुत ज़्यादा लगेगा, और जो डार्क पेंट होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली आता है वाइट पेंट से, इसलिए वाइट पेंट को हम पहले लगाते हैं। तो देखिए, इसके बाद आप मार्किंग करेंगे। मार्किंग में आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर मार्किंग करी है। तो ये जो मार्किंग रहेगी वो फुल कैलकुलेटेड रहेगी। हमारी जो दोनों दीवारें हैं इनमें एक जैसी ही डिज़ाइन आ रही है, और लगभग हमारी दोनों डिज़ाइन में 3 से 4 सेंटीमीटर का ही डिफ्लेक्शन है। तो ये डिज़ाइनिंग को ही आपका मेन चीज़ है, आपको ये बहुत अच्छे से देख के मार्किंग करनी है, सारी मेज़रमेंट्स लेना है। मेज़रमेंट्स के टेप्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनकी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और आपको जब मार्किंग कर लेंगे डिज़ाइनिंग करने के बाद, उसके बाद आपको इसमें टेपिंग करनी है। टेप कौन सा यूज़ करना है, टेप मैं आपको स्ट्रिक्टली बताता हूँ। एशियन पेंट्स का मास्किंग टेप जो है वो करके आता है, आप सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट का मास्किंग टेप ही यूज़ करें। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। मैंने किसी और कंपनी का टेप यूज़ करके देखा था, लेकिन वो पुट्टी को भी निकाल दे रहा था, इसलिए एशियन पेंट का मास्किंग टेप ही यूज़ कीजिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आपको इस वॉल की एक्चुअल जब मेकिंग की गई थी, कैसे बनाई गई थी, कैसे पेंटिंग की गई थी, वो देखना है, तो उसकी लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो टेपिंग करने के बाद आपको यहां पर रोलर ब्रश का यूज़ करते हुए डार्क पेंट को इस पर पेंट करना है। अब यहां पर जो हमने पेंट यूज़ किया है, जो डार्क पेंट, वो डार्क मरून कलर है, और इसका कोड X129 आता है, एशियन पेंट ट्रैक्टर इमल्शन शाइन। ट्रैक्टर इमल्शन शाइन हमने यूज़ किया है, ये कलर का बोल सकते हैं एक ब्रांडिंग होती है, और ये थोड़ा सा अच्छा स्मूथ फिनिश देता है वॉल को। और अगर हम इससे भी ऊपर जाते हैं तो एशियन पेंट्स का रॉयल प्ले करके आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा शाइनी भी होता है। ये हमारे बजट में बैठ रहा था तो हमने ट्रैक्टर इमल्शन शाइन यहाँ पर यूज़ किया, काफ़ी अच्छा पेंट है, आप करवा सकते हैं। कोड एक बार और मैं बता देता हूँ, X129 हमने यहाँ पर कोड वाला कलर यूज़ किया है, जो कि डार्क मरून है। आप यहाँ पर डार्क ब्लू कलर भी करवा सकते हैं, जो कि और भी अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से।
तो जब आप पेंट करें तो आपको रोलर यूज़ करना है, और रोलर जो रिकमेंडेशन रहेगी उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि आप कोई सा भी रोलर इन इस वॉल को पेंट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। रोलर की जो फैब्रिक, जो बोल सकते हैं फैब्रिक रहता है, वो थोड़ा सा पतला होना चाहिए इस पेंट को करने के लिए, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्रोडक्ट देख सकते हैं। उसके बाद जब आप पेंट करने जाएं तो आपको दो कोट करने हैं, आपको एक कोट में नहीं रुकना है, क्योंकि एक कोट में एक्चुअल जो शेड है वो नहीं आ पाता है। और वाइट कलर करने का एक और फ़ायदा है, जो आपका कलर है उसका एक्चुअल शेड आपको देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल वॉल पे करेंगे तो एक्चुअल शेड नहीं आता है। तो अब हम बात करते हैं, दो शेड होने के बाद आपको टेप कब रिमूव करना है। देखिए, जब आप दो शेड कर दें उसके बाद हल्का सा पेंट सूख जाए, तो दो शेड जैसे ही कंप्लीट हों उसके 10 मिनट बाद आपको टेप जो है वो रिमूव करना है। और टेप आपको रिमूव बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ करना है, क्योंकि टेप रिमूव करने के टाइम ही जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती हैं। थोड़ी बहुत पुट्टी निकलेगी, बट इट्स ओके। तो ये था पूरा प्रोसेस, इसकी प्रोडक्ट्स लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्रोसेस की जो भी प्रोसेस रहती है उसका रिटन फॉर्मेट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल।